ये देखिए टैंक जो आर्मी के पास रहता है वो टैंक है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद केसी में। आज बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल में ब्लॉग डाल रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग बिजी थे। मेरी वाइफ ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट मुझे दिया है और हमारी बेटी हुई है जैसा कि आप जानते हैं अनाया। सो आशा की डिलीवरी में और रिकवर होने में लगभग एक महीने से ज़्यादा समय लगा है। तो आज फर्स्ट टाइम हम आशा की डिलीवरी के बाद बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, और 16 को हमारा कुछ स्पेशल दिन है हमारे लिए, तो उसके लिए हम कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आशा और मैं आज शॉपिंग करेंगे। तो आशा, कैसा लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग में? काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दिनों के बाद भी मैं बाहर जा रही हूँ, सो उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और देखेंगे अभी शॉपिंग में। ओके, सो गाइज हमारे साथ बने रहिए, हम आज कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या आज हम खरीद पाते हैं। सो हम लोग निकल रहे हैं, टाइम 4:30 हो चुका है शाम को, और हमें लौटना भी है क्योंकि अनाया अभी तो सो रही है, फिर कुछ देर के बाद फिर वो हल्ला करना शुरू करेगी अपनी मम्मी को नहीं देखेगी तो। सो हम जल्दी आएंगे, तब तक आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आइए चलते हैं। सो आप लोग देखिए अपना खूबसूरत हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और आप लोग देख सकते हैं पहाड़ भी आपको हल्के हल्के से दिखेंगे। सो काफ़ी यहाँ पे साफ है। ये देखिए टैंक जो आर्मी के पास रहता है वो टैंक है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मौसम है और काफ़ी यहाँ पे साफ सुथरा और क्लीन आपको सड़कें मिलेंगी। आप जब भी हल्द्वानी आएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहाड़ के काफ़ी नज़दीक हैं और ये पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। सो देख सकते हैं, ये देखिए आशा तैयारी के साथ, क्या तैयारी के साथ? तैयारी के साथ शॉपिंग करने जा रही है। सो फाइनली शॉपिंग के लिए आ चुके हैं। सो हम अनाया के लिए कपड़े देख रहे हैं, देखिए काफ़ी छोटे छोटे से, ये भी बड़े होंगे, छोटे हैं लेकिन काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ये शूज, सो आशा देख रही है हमारी बेटी अनाया के लिए कपड़े, देखते हैं क्या मिलता है। हमारी बेटी अभी एक महीने की है और ये कपड़े काफ़ी बड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स शॉपिंग कर चुके हैं और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। सो आशा की और अनाया की शॉपिंग हो चुकी है, मेरी नहीं हुई है, सो मेरी कल आकर के मैं करूँगा। तो काफ़ी यहाँ पे रश हो रहा है, देखिए बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। तो हम घर जाते हैं, तो आप घर से दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया है आशा के लिए और अनाया के लिए। हेलो गाइज, हम लोग घर वापस आ चुके हैं और ये मनीषा न्यू लुक के साथ, न्यू लुक के साथ आप देख सकते हैं न्यू लुक मनीषा का, और पीछे मम्मी है। सो ये है, और आशा दिखाएगी कि क्या क्या लेकर के, दिखाओ
मैं निशा दिखा रही, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, मैं तो खुद देख रही हूँ। ये आशा के लिए। और क्या क्या लाया है? ये एक टॉप लाया है, हाफ कुर्ती, और इसके साथ पहनने के लिए ये प्लाजो खरीदी है, और इसके साथ ही पहनने के लिए और एक टॉप खरीदा है। ये अच्छा है। ये और अनाया के लिए। और अनाया जैसे बहुत छोटी है, जस्ट 1 month की है, सो उसके लिए फैंसी ड्रेसेस तो नहीं खरीद सकते थे क्योंकि वो तो पहनेगी नहीं, सो इसके लिए हमने अनाया के लिए ये एक छोटा सा टॉप खरीदा है, और उसके पीछे एक छोटा सा पैंट है अनाया के लिए। बहुत ढूंढ करके मिला हमको, और ये कलर अनाया को बहुत सूट करता है, इसलिए हमने येलो कलर चूज़ किया। और देन हमने अनाया के लिए दूसरा एक ड्रेस खरीदा है, ये भी बहुत छोटा सा, और इसमें लिखा है मियाओ और इसका कलर भी बहुत सुंदर है, और इसके नीचे ये छोटू सी पैंट, और ये ड्रेसेस को हम अनाया को पहना करके भी एक ब्लॉग बनाएंगे। और फिर अनाया के लिए हमने हेयर बैंड्स भी खरीदे हैं, ये दो कलर के, एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का। और फिर अनाया का पूरा मेकअप करके हम आपको दिखाएंगे कि अनाया कैसी दिख रही है, और उसके साथ ये ड्रेस पहन कर मैं भी दिखाऊंगी कि मैं भी कैसे दिख रही हूँ। सिर्फ इन दोनों माँ बेटी का ही हम शॉपिंग कर पाए इतना समय में, मेरा नहीं कर पाए तो मैं बाद में करूँगा। सो आपको मैं दिखाता हूँ अनाया को। सो गई है बाबू तो। ये देखिए वो आराम से आराम फरमा रही है, आराम से आराम फरमा रही है। अनाया देखिए अंदर, अनाया सो रही है, नेट के अंदर सो रही है क्योंकि मॉस्किटोज उसको काफ़ी काट रहे हैं, तो बहुत ही शांति के साथ सो रही है वो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।